मॉडर्न के अलावा आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। अगर आप लोग मॉडर्न की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कितने चैप्टर्स हैं? ओनली 2 चैप्टर्स। सिलेबस सारा सेम है, टॉपिक सारे सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। सो लेवल डिफरेंट हो सकता है, पंजाब बोर्ड का लेवल कुछ और है, कुछ सीबीएसई का लेवल कुछ और है। अगर आप लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सीबीएसई का लेवल काफी हाई होता है, पंजाब बोर्ड का काफी लो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पंजाब बोर्ड का लेवल ऐसे बोल सकते हैं कि इसका डिफिकल्ट लेवल, इजी लेवल थोड़ा डिफरेंट है और सीबीएसई का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब पंजाब बोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ और है फिजिक्स के अंदर, और जो सीबीएसई है, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ और है। क्लियर हो गया? सो बेटा मेरा जो चैनल है वो स्पेशली सीबीएसई प्लस पंजाब बोर्ड के लिए है, बिकॉज मैं हरियाणा टच में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यूपी में कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार में क्वेश्चन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सेशन बेटा मैं हिंदी में स्टार्ट करने जा रही हूँ, बिकॉज लास्ट सेशन में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती। आउट ऑफ पंजाब, ओनली आउट ऑफ पंजाब के स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने हिंदी स्टार्ट करी। सो अगर हिंदी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, 5। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो 1 के साथ साथ इसकी डेफिनेशंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे पंजाब बोर्ड है, या किसी भी बोर्ड, अदर बोर्ड है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, 3, 4, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे, नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में अलग अलग टॉपिक्स है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, एक्सेट्रा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फर्स्ट डेफिनेशन है, इट्स रेयर चांसेस कि ये क्वेश्चन या ये डेफिनेशन एज सच आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछी जाए, बहुत रेयर चांसेस है। सो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मींस अगर वो रेस्ट के अंदर है तो क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा +1 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरीके का होगा, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तब वो कैसा होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब कैसा होगा। सो हर एक चीज के बारे में, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव करेगा या इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव कर सकता है अगर वो रेस्ट पर होगा, अगर वो मूव करेगा। सो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान से देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है क्या। फिजिक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या है, ध्यान से देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर है, अगर यहाँ पे रेस्ट पर रखा है इलेक्ट्रॉन, ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके आसपास कोई ना कोई फील्ड होगी जिसे हम लोग फील कर सकते, हम लोग नहीं फील कर सकते, मतलब कोई और चार्ज पार्टिकल इसे फील करेगा। ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का कोई चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे पड़ा है। सो रेस्ट पे है मतलब उसका अपना कोई ना कोई फील्ड है। क्लियर हो गया। इसके अलावा किसके साथ डील करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। नेक्स्ट जब हम लोग चैप्टर रीड आउट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 पर पहुंचेंगे, वहां पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, ये चीजें हम लोग इन फ्यूचर इन नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक्सेट्रा।
सो बेसिकली सिर्फ इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो स्टडी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सेट्रा। सो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलिए कहीं आम अपनी रियल लाइफ के अंदर हम लोग कोई एग्जाम्पल सोचते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे रियल लाइफ के अंदर, मान लीजिए हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हमें फिजिक्स का कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सारी दुनिया के साथ हो रहे। आपकी मम्मी पापा ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, आपके दादा ने, दादू ने, दादी जी ने, नानू नानी ने, किसी ने भी फिजिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन फिजिक्स सबने एक्सपीरियंस की हुई है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि जब हम लोग स्वेटर को रिमूव करते हैं या फिर हम लोग ने ब्लैंकेट ले रखा है, जैसे ही हमने अपने आर्म को उस ब्लैंकेट के साथ रब किया, वहां पर हम लोगों को कुछ क्रैकिंग साउंड सुनाई देते हैं। सिमिलरली या फिर वहां पे हम लोगों को क्या स्पार्किंग दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी छोटी सी बेटी है, हम लोग सर्दियों में इस तरीके से खेलते हैं कि कंबल लिया, उसमें जोर जोर से हाथ इस तरीके से मारो, कंबल को बिल्कुल अपने हेड के नीचे रखो और अपने हाथ को बहुत जल्दी जल्दी उस पर स्पार्क करो, तो आप लोगों को स्पार्किंग दिखाई देगी। वहां पे जैसे लाइट्स होती है वो दिखाई देगी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसको इस चीज की समझ नहीं है, वो उसे बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, हमें वो बच्चों वाली चीजें लगती है, तो हम लोग वो चीजें नहीं करते। सो ट्राई जरूर करना अगर आप लोगों के घर पे एट प्रेजेंट, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट है, अगर आपके एट प्रेजेंट भी आपके घर पे ब्लैंकेट होगा तो ट्राई करके देखना। ब्लैंकेट जो है वूल का बना होता है, हमारे जो हैंड है, स्किन है, वो डिफरेंट चार्जेस है और वूल डिफरेंट है। जब हम अपने हैंड को उस कंबल के साथ, उस ब्लैंकेट के साथ रब करेंगे, देन चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, वहां पे स्पार्किंग होगी। ठीक है, वो स्पार्किंग क्या चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर वो चार्ज आ रहा है तो कैसे हो रहा है। सिमिलरली आप लोगों ने, चलो कंबल वाली एग्जांपल एक हो गई, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, आप लोग प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठे, बैठ जाए, हो सकता है एट प्रेजेंट इस टाइम भी आप लोग प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठे हो, अपनी जो आर्म है, अपनी आर्म को कपड़े को पीछे कर लो और आर्म को क्या करो, किसी भी प्लास्टिक की चेयर के साथ रब करो। जैसे ही आप उसे ऐसे उठाएंगे, जो आपके आर्म्स के छोटे छोटे बाल होंगे ना, वो जो है वो प्लास्टिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या चीज आई भाई, हमारी बाजू में क्या था या प्लास्टिक में क्या है कि जो आपके आर्म्स के छोटे छोटे जो बाल है वो किस तरीके से प्लास्टिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, क्या हुआ, कौन सी चार्जेस प्रोड्यूस हो गई। हमारी आर्म में कोई चार्जेस नहीं था, प्लास्टिक में कोई चार्ज नहीं था, फिर ये क्या हो रहा है, चार्ज है, बॉडीज के अंदर चार्ज है। यही चीज हम लोग प्लस टू फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि हर एक बॉडी, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो हम लोग है, चाहे कोई भी यूनिवर्स की कोई भी चीज, अगर दो चीजों को आपस में रब करेंगे कुछ ना कुछ होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे या कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ लॉस या गेन की वजह से किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, वो सारी चीजें हमें कौन पढ़ाएगा, फिजिक्स की एक ब्रांच, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो गया जी? तो इतनी एग्जांपल आई थिंक बहुत है आप लोगों को ये बताने के लिए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। सो सबसे पहले जितनी मैंने एग्जांपल्स बताई, ऐसे एग्जांपल्स लाइफ में और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है इसलिए मैंने दो एग्जांपल्स बताई। अब इन दो एग्जांपल से अगर अपना दिमाग, आंखें क्लोज करो, आराम से बैठकर सोचो कि सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आया। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है, व्हेन अ रॉड, रबर रॉड इज रब्ड अगेंस्ट फर। अब आपने क्या करना है, एक आप ले लो रबर की रॉड और सेकेंड वन इज अ फर, कोई भी फर ले लो, ठीक है। उस फर के साथ जब आपने रॉड को रब किया, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फर, फर में से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे एंड डिपॉजिट ऑन द रॉड, क्योंकि हमने रॉड को फर के साथ क्या किया, रब किया। जब रब करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फर में से रिमूव होकर रॉड के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम
फर टू द रबर रॉड। सेकेंड डायग्राम में आप लोगों को शो किया है कि जो फर है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और क्योंकि रॉड पर चार्ज आ गया कौन सा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो है वो पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है। द रॉड इज सेट टू बी नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब क्या है, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। द फर इज सेट टू बी पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, डेफिशिएंसी हो गई। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना, किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, वहाँ जहाँ पर भी चेयर पड़ी है, कोई भी टेबल है हमारे पास, रॉड है, कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, सब चीज़ों के ऊपर दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो जैसे ही उसे रब किया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने रॉड को रब किया फर के साथ, फर का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो रॉड पर चला गया। सो रॉड बन गई नेगेटिवली चार्ज, और जो कपड़ा था, जो आपके पास फर है, फर क्या बन गई आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, ग्लास एंड सिल्क। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लास एंड सिल्क। अब क्या करेंगे, ग्लास को सिल्क के साथ रब करना है। When a glass rod is rubbed against silk, electrons are removed from the glass and deposited on the silk. अब क्या करना है, सिल्क को रॉड के साथ जैसे ही रब किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे ग्लास से, ग्लास से इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होंगे कहाँ पे जाएंगे, सिल्क के पास। सो सेकेंड डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्लास टू द सिल्क रॉड, सिल्क रॉड के पास चला गया। अब आपके पास जो रॉड है दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज, और जो कपड़ा है आपके पास, सिल्क का जो क्लॉथ है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। सो लास्ट में एक लाइन्स लिखेंगे, द ग्लास इज सेट टू बी पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से सिल्क क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। द सिल्क इज सेट टू बी नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया जी। सो दो एग्जांपल्स हम लोगों ने अलग अलग तरीके से समझी है, आपके बुक में बहुत तरीके की एग्जांपल्स होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। लेबोरेटरी डिवाइस यूज्ड टू स्टडी द एग्जिस्टेंस ऑफ टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। लेबोरेटरी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए, इसकी हेल्प हमने पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप प्लस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ की। सो इस पर बेटा पूरा जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों की बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो दैट्स वाई मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि हमारे पास क्या है चार्जेस को फाइंड आउट करने के लिए, कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इसकी स्टडी हमने लेबॉरेटरी में की। सो कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जैसे पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है जी। सो इससे हमें पता चले कि टू नेगेटिवली चार्ज रिपेल क्या करेंगे। अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज होंगे, चार्ज द रब रॉड बाय रबिंग अगेंस्ट फर, जैसे ही आपने एक चार्ज रॉड को, देन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रॉड टू ईच पिच बॉल, पिच बॉल के पास चले जाएंगे, देन टू नेगेटिवली चार्ज रिपेल ईच अदर, इसका मतलब दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। सिल्क जो रॉड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, जो उसकी पिच बॉल है दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आप लोग सेकेंड थर्ड डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि और जो ग्रीन कलर की बॉल है वो ग्रीन कलर की बॉल को रिपेल कर रहा है। अगर रिपेल कर रहा है तो दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को, चार्जेस ऑफ ग्लास रॉड बाय रबिंग अगेंस्ट सिल्क। अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया। सेकेंड केस में क्या किया, पिच बॉल विद रॉड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉल मूव टू द फिल वैलेंसी ऑन द क्लोथ लीविंग ईच द बॉल्स विद अ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्जेस, इसका मतलब पिच भी पॉजिटिव चार्ज हो गया और आपका जो रॉड है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है।
अगर रिपेल करेगा इसका मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, देन दे आर ऑल्सो रिपेल ईच अदर। चाहे आप पॉजिटिव चार्जेस ले लीजिए, चाहे आप नेगेटिव चार्जेस ले लीजिए, दोनों चार्जेस अगर सेम होंगे देन वो रिपेल करेंगे ईच अदर। ठीक है जी। अब ग्रीन वाले क्या है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए गए हैं, कलर्स गिवन है, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो। रेड मीन्स पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, नंबर वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर टू इज अ नेगेटिव चार्ज। जैसे ही रॉड को फर्क के साथ रब किया और सेकेंड केस में ग्लास को सिल्क के साथ हम लोगों ने रब किया, क्या होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सेंटर में देखिए जहाँ पर एक ग्रीन बॉल और एक रेड बॉल है और वहाँ पे सेंटर पे क्या लिखा है, अट्रैक्शन। इसका मतलब अगर अलग अलग चार्जेस होंगे देन दे बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर। नोट कर लीजिए यहाँ पर दैट द नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब ग्रीन बॉल इज अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज बॉल। अगर नेगेटिव चार्ज होगी और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल होगी, बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया जी। इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो कुछ लॉज हैं जो हम लोगों ने याद करने हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर वन क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक मतलब डिफरेंट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली छोटी सी डायग्राम बना सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज अगर हम लोग लेंगे बाहर की तरफ, येलो कलर के एरोस बाहर की तरफ है, इसका मतलब बोथ आर रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लोगे, दे आर ऑल्सो रिपेल ईच अदर। ठीक है जी। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज लोगे देन क्या होगा, दे बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए चार्जिंग बाय कंडक्ट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हम लोग इसे जस्ट एक बार रीड आउट कर लेंगे। अगर आप इसे नोटबुक पे नहीं लिखना चाहते, स्किप करना चाहते हैं, देन आप स्किप कर सकते हो। टेक एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप एज शोन इन अ फिगर। फिर आपने क्या करना है, ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज रॉड इन कॉन्टेक्ट विद नॉब। नॉब के पास बिल्कुल ऊपर आपने क्या करना है, एक क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेके आना है। जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज को पास लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव डाउन ऑन अ लीफ एंड शिफ्ट। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारे का सारा लीफ में चला जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा, कॉजिंग देम टू सेपरेट। ध्यान से देखो, जो लीफ है सेंटर में ये वाली चीज़ है जो, वो क्या हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। व्हेन द रॉड इज रिमूव्ड, जैसे ही आप लोग रॉड को रिमूव कर दोगे, द स्कोप रिमेन्स नेगेटिवली चार्ज। तब भी जो आपका ये वाला पोर्शन है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली बाय कॉन्टेक्ट विद अ ग्लास रॉड। इस चीज़ को जस्ट आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, वन मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल की फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो कुछ एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉरी एमसीक्यूज़ में, फिलिंग द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स में। ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप पॉजिटिवली चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव जो स्प्रेड हो जाएगा, देन जैसे ही आप पॉजिटिव रॉड को रिमूव कर देंगे, देन स्टिल जो पॉजिटिव पॉजिटिव है एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो लास्ट में क्या है, चार्जिंग स्फीयर बाय इंडक्शन। इंडक्शन के साथ भी इसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव रॉड एक बॉल के पास लेके आएंगे, देन इंडक्शन की वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और ग्रीन कलर की जो बॉल है उसमें पॉजिटिव चार्ज था, इंडक्शन की वजह से दूसरी जो वाइट वाला बॉल है उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये है इंडक्शन मेथड। सो सेपरेशन बाय अ चार्ज, चार्ज की वजह से सेपरेशन हो गई। ठीक है। सो आइसोलेट भी ऑफ चार्ज, आइसोलेट मतलब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। सेकंड डायग्राम में देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, थर्ड में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सो आइसोलेट कर दिया चार्जेस को। क्लियर हो गया। अगर इसको आइसोलेट कर दोगे, जैसे ही इसको अलग अलग किया, देन ये वाला चार्ज पूरे स्फीयर में फैल जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैल जाएगा। सो दिस इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी डायग्राम है, इसे लर्न करने की या फिर उतारने की भी ज़रूरत नहीं है।
वन मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यूज ट्रू फॉल में आप लोगों को पूछा जा सकता है, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ ये छोटी सी टर्म इस तरीके से आप लोगों को शो कर दी। आप डायग्राम बना के रखो अपनी कॉपी के ऊपर, जैसे ही आप रिविजन करेंगे इसे एक बार देख लेना जस्ट, ठीक है। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि दो अनचार्जेस फेयर को हमने बिल्कुल टच करके साथ में रख दिया, एक नेगेटिव रॉड उसके पास लेके आएंगे इंडक्शन की वजह से। फर्स्ट बॉल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसे इंडक्शन हो गया, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देन इन दोनों सफेयर्स को हमने अलग अलग कर दिया, जैसे ही आइसोलेट किया तो पूरे चार्ज में जो जितना भी उसमें चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इंडक्शन ऑफ अ सिंगल सफेयर। अब सिंगल सफेयर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने एक अनचार्ज सफेयर लेना है, सेकेंड क्या करना है उसके पास किसी रॉड को लेके जाना है, जैसे आपने नेगेटिव चार्ज को लेके गए, देन क्या होगा उसके फर्स्ट जो फेज है उस पर पॉजिटिव और सेकेंड फेज पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो दिस इज सेपरेशन बाय चार्ज, ठीक है जी। सो इस तरीके से जैसे ही आप लोगों ने उसको टच किया, अर्थ कर दिया या वायर लगाकर उसको अर्थ कर दिया, सारा नेगेटिव चार्ज धरती के अंदर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द ग्राउंड। इसका मतलब सफेयर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, चार्ज्ड बाय इंडक्शन। सो ये हो गया आपका चार्ज बाय इंडक्शन। क्लियर हो गया, ये दो में भी हो सकता है, टच में भी हो सकता है या फिर सिंगल सफेयर। बेटा यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, कौन सा जो बॉडी है वो आफ्टर रबिंग रिपल्सिव होगी। सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन किस पे डिपेंड है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज। सो बेटा इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप लोगों किसी ग्लास को किसी सिल्क के कपड़े के साथ रब करोगे देन ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा सेल के ऊपर। इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न करना इस पूरे टेबल को, बिकॉज ये वन मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि अगर कैट की स्किन को एबोनाइट रॉड के साथ रब किया जाए तो कौन सा जो एबोनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा, एबोनाइट रॉड पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कैट सिल्क पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली नेक्स्ट बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, वुलन क्लोथ को अगर एम्बर के साथ, वुलन क्लोथ को रबर के साथ, प्लास्टिक के साथ, ड्राई हेयर्स को कॉम के साथ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने बचपन में बहुत बार किया होगा कि बाल के साथ अपनी जो प्लास्टिक का जो स्केल है उसे रब करो, ड्राई हेयर्स होने चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, देन उसे रब करेंगे तो देन छोटे छोटे पेपर के पास अगर आप अपना स्केल को लेकर जाएंगे देन वो छोटे छोटे जो पेपर्स होंगे वो अपने आपके जो स्केल है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव चार्जेस। नेक्स्ट नोट कर लो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स क्वेश्चन, आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लिखना है फॉल्स, नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एसआई, अगर यूनिट्स लिखने हो दैट इज द कूलम, सो कूलम लिखेंगे, डिमेंशन फार्मूला इसका लिखेंगे, डिमेंशन फार्मूला इज ए टी, सो ए टी किस तरीके से बना, ए टी किस तरीके से बना, क्योंकि पता है क्यू किसके इक्वल है आई टी के, ठीक है। आई मतलब करंट, करंट के यूनिट्स क्या है एम्पेयर, टी मतलब टाइम, सो हमारे पास डिमेंशन फार्मूला क्या आ गया ए टी, वेयर ए इज एम्पेयर एंड टी इज टाइम। क्लियर हो गया जी। सो ये सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सा बेटा ये लेक्चर है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना। सो चलिए बेटा दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज़ अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज़ अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन जो सीबीएसई है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, सो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, नंबर वन इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडेड लाइक रियल नंबर्स एडिटिव टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे हम लोग रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं आपस में, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं हमारे पास उन्हें भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो ऐड एडिशन हो सकती है इनकी। नंबर टू इज़ अ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वर्ड से क्लियर हो रहा है ना तो कोई चीज़ क्रिएट हो रही है ना ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है, सो कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहेंगे। नंबर थ्री इज़ अ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज़ अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसे लर्न करेंगे।
इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो आप लोग जस्ट इसे रीड आउट करके छोड़ सकते हैं. सो नंबर वन इज़ अ एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. टोटल चार्जेस ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम. एल्जेब्रिक मीन्स टोटल सम. ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने जहाँ पे भी टोटल वर्ड यूज़ करना है वहाँ पे टोटल नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ बॉडी. बॉडी के अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी बॉडी ले लीजिए इस तरीके की. ठीक है, यहाँ पे कितने चार्ज है, यहाँ पे कितने चार्ज है, सिमिलरली यहाँ पे कितने चार्ज है. सो ओवरऑल टोटल चार्जेस कितने हैं, एल्जेब्रिक सम मतलब टोटल चार्जेस कितने हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पोर्शन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट रीजन ऑफ अ बॉडी हैविंग चार्जेस, मान लीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है 8 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना है 6 माइक्रोकूलम, ये कितना है -4 माइक्रोकूलम. सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो नेट चार्ज, नेट मीन्स टोटल चार्ज कितना होगा, सारे चार्जेस को ऐड कर दो. 8 वाला जो 8 माइक्रोकूलम है दैट इज द Q1, 6 माइक्रोकूलम वाला चार्ज क्या है Q2, एंड -4 माइक्रोकूलम क्या है आपके पास Q3 चार्जेस. जब आपने तीन के तीन चार्जेस को ऐड कर दिया, 8 + 6 - 4 + 4 लिखेंगे किस तरीके से, 8 + 6 + 4. ठीक है जी, सो 8 + 6 + -, सो ये आ गया. ठीक है, पहले ऐड कर दो, 8 + 6 कितने होंगे 14 - 4, 14 में से 4 गए तो 10, दिस इज अ 10. इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब आपने चार्जेस को ऐड करा देन आपका आंसर कितना आ गया 10 माइक्रोकूलम. ठीक है जी, ये हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि चार्जेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मतलब ना तो कोई चीज़ क्रिएट हो रही है ना ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है. सो डेफिनेशन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जितना भी आपका चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. कॉन्स्टेंट का मतलब नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. ना ही कोई चीज़ क्रिएट होगी, ठीक है, ना ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी. क्लियर हो गया बेटा कंजर्वेशन का मतलब क्या है. सो इसे रियल लाइफ के अंदर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. ग्लास रॉड रब्ड विद अ पीस ऑफ अ सिल्क क्लोथ. अब क्या करो, एक रॉड ले लो, ठीक है जी, एक रॉड ली और उसको सिल्क के क्लोथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे. रब करने के बाद क्या होगा, ये एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं. सो सिर्फ अब आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर इमेज बनानी है. सो बेटा अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा हाई करो, थोड़ा सा सोचने समझने की कैपेसिटी को थोड़ा सा लार्ज करो. थोड़ा सा लार्ज स्केल पर जाओगे तो आपकी जो इमेज है आप लोगों के माइंड में बन जाएगी. सिर्फ सुनोगे और समझोगे, हो सकता है कहीं पर आप लोग कोई चीज़ें स्किप कर जाओ, लेकिन अगर आप उस चीज़ें कुछ भी पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें कि आप लोग इमेजिनेशन करोगे. इमेजिनेशन से क्या होगा, एक जैसे हम लोग सुनते हैं ना, कोई लेक्चर सुना वो जल्दी भूल जाएगा, लेकिन जो मूवी देखी है रिसेंटली, कोई मूवी देखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने भी कोई मूवी देखी होगी, उसके जो सीन है वो बहुत अच्छे से याद होते हैं. उसका रीज़न क्या है, डायरेक्ट आँखों से हमने देखा. अगर आँखों से देखा तो दिमाग के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इमेज छप गई. सो ग्लास रॉड ले लो, अब इमेजिनेशन करो. अब ग्लास रॉड इज़ पॉजिटिवली चार्ज. हमें पता है कि ग्लास रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. वेयर एज द पीस ऑफ द सिल्क क्लोथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. सिल्क का जो कपड़ा होगा, मान लीजिए आपने जो सूट पहना है, आप लोगों ने जो शर्ट पहनी है वो सिल्क की बनी हुई है. याद रखने के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल समझा रही हूँ. ये सारी लाइफ पेपर तक, नेक्स्ट मार्च तक आप लोगों को एग्जाम्पल याद नहीं भूलेगी. आपने जो शर्ट पहनी है, आप लोगों ने जो भी कपड़ा पहना है वो किसका है, सिल्क का. अगर आप एक रॉड लोगे, ग्लास रॉड लोगे, अपने कपड़े को अपने उस रॉड के साथ रब करोगे, तो देन ग्लास रॉड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपके कपड़े के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. द पॉजिटिव चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क. मान लीजिए सिल्क के ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया और रॉड के ऊपर कितना होगा, ऑल्सो 5 माइक्रोकूलम चार्ज. क्लियर हो गया, रॉड के ऊपर +5 माइक्रो और सिल्क के ऊपर -5.
बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑन अ ग्लास प्लस सिल्क इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ज़ीरो कैसे आ गया भाई। याद रखो, हर एक चीज़ के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, जब उसे रब करेंगे कुछ क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गई, इसका मतलब दूसरी जगह पर क्या हो गया, उसकी डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अदरवाइज एक बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, सो टोटल चार्ज कितना है, ज़ीरो होगा। कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन भी एक्टिव नहीं है, प्रोटॉन भी एक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया? जब तक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, सो बैलेंस होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा, कोई भी चार्ज हमें फील नहीं होगा। सो इसको समझने के लिए आप लोग स्केल की एग्जांपल ले सकते हैं। स्केल को हम लोगों ने अपने हेयर के साथ जब रब किया, देन वी कैन फील द चार्ज ऑन अ स्केल। स्केल को पेपर के पास लेके जाएंगे तो पेपर, छोटे छोटे जो पेपर पीसेस होंगे वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज हम लोग रोज़ स्केल के साथ काम करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, क्या आप लोगों को कभी स्केल के अंदर कोई चार्ज फील होता है? नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर न्यूट्रल चार्ज था, जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी चीज़ के साथ रब नहीं करोगे। सो टोटल चार्ज कितना हो गया बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले टोटल चार्ज कितना है, ज़ीरो। हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड, इसका मतलब चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहेगा। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझोगे, इसके साथ वाले जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, वो आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। सो आज की वीडियो का बेटा लास्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। विच इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली मुझे ये डेफिनेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने सेकेंड डेफिनेशन लिखी हुई है। सो डेफिनेशंस बेटा अलग अलग बुक में थोड़ी सी जो वर्डिंग है वो चेंज हो सकती है, आप लोग जो आपको अच्छे से आती है वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम्स ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल क्यू इज इक्वल टू एन ई, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसके रिलेटेड बेटा 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे आप CBSE के हैं, पंजाब बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। सो क्यू इज इक्वल टू एन ई के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन एक्सेट्रा। सो एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, एन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, दैट इज ई इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। अब आप प्लस टू में एंटर कर रहे हो, इस वैल्यू को जितना ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो लर्न कर लो, बिकॉज ये सब यूनिट्स में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है जी। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम नंबर, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू मतलब कोई भी क्वांटम नंबर हो सकता है, कोई भी इंटेग्रल नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का मतलब है प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 का मतलब है प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है। क्यू यहाँ पर क्या है, टोटल चार्ज, और ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, और स्मॉल चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। सो यहाँ तक बेटा आपका था एक लेक्चर। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लगा, देन आप अपना हल्का फुल्का टेस्ट ले सकते हो, दिस इज़ अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। आप लोगों को समझ लग जाएगा कि मेरा लेक्चर आप लोगों को कितना समझ आया है, या फिर बोर्ड में आप लोगों को इस इतने पूरे चैप्टर में से किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो इसके बाद आपको क्वेश्चंस शेयर कर दिए जाएंगे। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो,
व्यूज के अकॉर्डिंगली ही बेटा आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। सो जितना आप अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर सकते हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लस टू क्लास। सो इस सेशन का जो हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सो चलिए अब टेस्ट देखते हैं। टेस्ट के बाद आप लोग अपना खुद आंसर्स चेक कर सकते हैं, वीडियो में से देख के ही चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं या कुछ भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। सो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।